गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, PYQ सीरीज फॉर MHCET स्टूडेंट्स के लिए डेली मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज उसी सीरीज में आज हम जो टॉपिक लेने चल रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक तो कन्फर्म है। तो उस पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। 2019 में कह रहा है कि इफ अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP जिसको बोलते हैं ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड Q1 इज द हीट रिलीज्ड, Q1 इज द हीट रिलीज ड्यू टू इन द हॉट रिजर्वर, इसको बोलते हैं हॉट रिजर्वर और इसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्वर, इसको हॉट रिजर्वर। ऑलराइट, देन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर Q2 इज, आपको ये बताना है कि Q2 की वैल्यू क्या होगी, जिसको Q2 क्या है, Q2 इज द हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिक समझना था कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या चीज है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो बेसिक पर्पज है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको अल्फा बोला जा रहा है यहां पे, दैट इज Q2 divided by W। अब यहाँ पे अगर साइक्लिक, चूंकि ये साइक्लिक वर्क डन, अगर यहाँ आप देखें तो W इंटर कर रहा है और Q2 यहाँ पे साइकिल में आ रहा है, तो W+Q2 = Q1। तो W कैन बी रिटन एज W = Q1 - Q2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, α = Q2 divided by इन प्लेस ऑफ W हम क्या लिख सकते हैं, Q1 - Q2। अब हमें Q2 चाहिए यहाँ से, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो α Q1 - α Q2 = Q2। अब Q2 इलिमिनेट करना है, Q2 निकालना है, तो Q2 + α Q2 = α Q1। तो यहाँ से Q2 ले ले कॉमन, Q2 अगर जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो 1+α हो जाएगा यहाँ पे, क्या 1+α। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा α Q1। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर Q2 जो आपको चाहिए, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 = α Q1 / 1+α α Q1 / 1+α। ऐसा कोई ऑप्शन है चार ऑप्शन में? यस, α Q1 / 1+α इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। सो स्टे ट्यून विद यू फ्लाई जेई नीट। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो कि 2019 में ही आया है, 2019 में ही MHCET में आया है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम विल बी, करे व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम विल बी, आपसे यहाँ पे इक्वेशन पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ध्यान से समझिए, कोई आराम से बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे आपको PV का टर्म तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे N के जगह पे कुछ कुछ अलग अलग वैल्यू दिया है। अब आपको पता है ये N क्या होता है, दिस इज N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन गैसेस। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास, मास अपान मोलर मास। ठीक, अब मास कितना ग्राम दिया है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 32 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 32, तो ये वैल्यू कितना, 1/16, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। अब हमें क्या लिखना है, PV = nRT लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, P × V बराबर N की जगह क्या हो जाएगा, 1/16 R × T, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी अपना क्या है, सही दिया है। सो स्टे ट्यून विद यू फ्लाई जेई नीट। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्या दिया है? द मैक्सिमम वेवलेंथ दिया है ऑफ ए रेडिएशन इमिटेड बाई स्टार इज, ये मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा एम दिया है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पूछ रहा है फॉर द स्टार, चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपको वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पता है, क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। तो पहले यहाँ से टी निकाल लेते हैं। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई लैम्डा एम। बी को बोलते हैं वीन्स कॉन्स्टेंट, वीन्स कॉन्स्टेंट। अब वीन्स कॉन्स्टेंट दिया है आपको, कितना दिया है वीन्स कॉन्स्टेंट? 28, 2898। यहाँ पे माइक्रो दिया है, माइक्रो का मतलब होता है 10^6 माइनस में, यहाँ पे ठीक मीटर केल्विन, माइक्रोमीटर केल्विन दिया है। डिवाइडेड बाय लैम्डा एम, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना दिया है? 289.8 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10^-9। तो यहाँ पे 10^-9 लिख सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो इसको दशमलव को हटाएं और यहाँ पे क्या लगा दें, 10^-10, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे +10 -6, तो यहाँ पे हो गया 10^4 केल्विन। तो ये तो आपके पास टेम्परेचर आ गया। बात आता है एनर्जी रेडिएटेड, चूँकि अगर एनर्जी रेडिएटेड पता हो जाता तो इंटेंसिटी आप क्या बता सकते हो इजीली। एनर्जी रेडिएटेड क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड होता है सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, ये होता है। हमारे पास ई इमिसिविटी ऑफ, यहाँ पे दिया है परफेक्ट बॉडी है तो यहाँ पे इमिसिविटी की वैल्यू 1। तो अगर इंटेंसिटी चाहिए तो आपको क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। अब ये जो है ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है। अब इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सिग्मा ए टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए, तो ए एंड ए विल गेट्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। एकदम बहुत आराम से करेंगे, क्वेश्चन आसान आते हैं, ऐसा कोई जल्दीबाजी करना ही नहीं है आपको। क्या दिया है? सिग्मा की वैल्यू दिया है, सिग्मा को बोलते हैं, यहाँ पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट दिया है सिग्मा का, ये वैल्यू कितना दिया है, 5.67 × 10^-12 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 4, केल्विन की पावर 4 अगर करेंगे तो टी टू द पावर 16 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे चीज़ों को देखें ध्यान से तो आपके पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ये हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर 4 to the power 4 करेंगे, 4 to the power 4 16 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यस एवरीथिंग इज ओके, यस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.67, जैसा कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह है ठीक। अब यहाँ पे 10^-12 है, 5.67 × 10^-8 है ये। अब बात ये आती है हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 5.67 × 10^8 बची, तो हमारा आंसर कौन सा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बस उसको लगा दे, तो ऑप्शन सी जो है अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो स्टे ट्यून विद टू फ्लाई जेई नीट, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। कह रहा है हीट एनर्जी इज इंसिडेंस ऑन अ सरफेस एट द रेट ऑफ, रेट दिया है हीट एनर्जी, जो मान लेते हैं कोई सरफेस अगर ऐसा है, यहाँ पे हीट एनर्जी फॉल कर रही है कितने रेट से, 1000 joule per minute से फॉल कर रही है ठीक है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं,
कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ क्या हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो जो एब्जॉर्ब हो गई उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी। और जो ट्रांसमिट हुई उसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। या फिर इन्हीं सब को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, आर प्लस अल्फा प्लस टाऊ इज इक्वल टू वन, आर प्लस अल्फा प्लस टाऊ इक्वल टू वन। जो जो चीज़ें दी हैं वो पहले लिखे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 0.8, मतलब अल्फा की वैल्यू दिया है और क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है 0.1, 0.1 प्लस 0.8 प्लस टाउ इक्वल टू वन, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटिविटी, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटिविटी। अब यहीं पे पूछ रहा है देन हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन 5 मिनट। तो यहाँ पे 5 मिनट में और मिनट में ही ये दिया है, 1 मिनट में 1000 जूल होता है जब टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिरती है, लेकिन उसका कितना पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हुआ है जिसको हम QT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, QT, क्या बोलते हैं, QT। तो ये क्या है, टाउ इंटू क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ, चूंकि टाउ होता क्या चीज है, टाउ इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंस ऑन द मेटल सरफेस। सो क्यू टाउ इज इक्वल टू टाउ इंटू क्यू, क्यू इज नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज इंसिडेंस ऑन द सरफेस। बात यह है कि यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दिया है, 1000 दिया है, और समय कितना दिया है, 5 मिनट दिया, ये भी जूल पर मिनट में है, तो ये भी सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिनट यहाँ पे, अगर यहाँ पे जूल पर मिनट लिखते हैं और यहाँ पे भी मिनट लिखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 जूल। तो ये दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सरफेस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो स्टे ट्यून्ड विद यू फ्लाई जेई नीट। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। सो ये दोनों क्वेश्चन, ये 2017 में ये भी आया है, 2017 में ये भी आया है MSCET में। कह रहा है फॉर ए रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दिया है, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन इंटू सीपी दिया है, वेयर सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जैसा कि आपको पता है, एंड एन इज द नंबर, एन इज ए नंबर, उस नंबर की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो आपको बेसिक क्या कॉन्सेप्ट पता है, गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2/f, और गामा होता क्या चीज़ है, डेट इज CP/CV, यही आपके पास गामा होता है। अब यहाँ पे 1 + 2/f, ये f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डाई एटॉमिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 2, डेट इज 7/5, ये आपके पास गामा की वैल्यू हो गई, या यू कैन से CP/CV हो गया। तो हमें CV यहाँ पे, CV बराबर क्या हो जाएगा, 5/7 × CP, ये आ गया आपके पास क्या, CV की वैल्यू आ गई। और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते होंगे, CP - CV इज इक्वल टू आर, ये मतलब जिसको ऐसे बोल सकते हैं CP - CV इक्वल टू आर में, हमें CV को, इसको मेयर्स फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला, इस CV को इलिमिनेट करना है, यहाँ CP रखना, CP - CV के जगह पे क्या रख देना है, 5/7 CP, 5/7 CP इज इक्वल टू आर। तो अगर CP कॉमन ले लें तो 1 - 5/7 इज इक्वल टू आर। अब यही हमें दिया है यहाँ पे, 7 - 5, डेट इज 2/7, डेट इज CP × 2/7 × R। अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है R = nCp, तो R = n इज नथिंग बट 2/7, तो n की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2/7 कितना होगा,
दशमलव लगाया जीरो आ गया, सात दूनी चौदह, छः सात छंग बयालीस, सास्ते उनचास, सात अट्ठे छप्पन, ठीक सात अट्ठे छप्पन। तो आपके पास ये देखें यही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, सिंपल। तो याद रखें मेयर्स फार्मूला और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड 1+2/f, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, डाईएटॉमिक के लिए 5 होती है, ट्राईएटॉमिक के दो बातों पर डिपेंड करती, हो सकता है 7 भी हो या 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। सो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन अपना सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 2017 में ही आया हुआ है, और यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहा है वो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। इफ स्मॉल एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, देन डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ। चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हमें याद करो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है? गिवन मास अपान मॉलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू ये पी वी। या एक जुगाड़ यहाँ पे कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मास दिया है, ठीक। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम आर टी बाई कैपिटल M। ये है क्या चीज़? मास अपान वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो यहाँ पे स्मॉल p इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपान कैपिटल M। या डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू pm डिवाइडेड बाई आर टी, pm डिवाइडेड बाई आर टी। ऑलराइट, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे R को हम इलिमिनेट कर लेंगे। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। अब इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कैसे, R इक्वल टू होता है कैपिटल N इंटू K, वेयर N इज द एवोगैड्रो नंबर एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम चेंज करें P इंटू M अपान कैपिटल R के जगह पे कैपिटल N इंटू K लिखा इंटू T लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हमने क्या किया कि R के जगह पे N इंटू K लिख दिया। अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इज इक्वल टू P इंटू कैपिटल M बाई N K T। अब स्मॉल ये जो वैल्यू है वो स्मॉल m है, या स्मॉल m कैन बी रिटेन एज कैपिटल M बाई N। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम P बाई N, वेयर M इज द मोलर मास है और N क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गिवन मास सिस्टम। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, रो बराबर P इंटू स्मॉल m बाई K इंटू T। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई के टी। तो पी एम बाई के टी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपना सही है। तो ये 2017 का प्रॉब्लम था, आसान सा। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट, सो लेट अस डिस्कस 2015 प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 2016 में आया है, क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहे हैं। Assuming the expression for pressure exerted by gas on the wall for container, it can be shown that the pressure is. तो आपको एवरेज प्रेशर, प्रेशर के बारे में क्या पता है, प्रेशर जो एग्जर्ट करता है कंटेनर के ऊपर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ये होता है। वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, जो भी गैस होता है उसकी डेंसिटी। तो ये क्या लिखा जा सकता है, 1/3 मास अपान वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/3 है, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कोई फर्क पड़ेगा है नहीं। तो ये 1/ ये है क्या चीज़,
हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा। तो हमें यही पूछा था इस क्वेश्चन में, यही पूछा था कि ये बताना है कि प्रेशर कितना होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा जाए, जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन अपना सही है। तो इसी साल 2016 में दूसरा क्वेश्चन आया था, इसीलिए वजह से कह रहा हूँ दो क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। तो अब 2016 में ही MSCET में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहा है कि यहाँ पे फॉर अ गैस R/CV इज इक्वल टू 0.4 वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट पता है, CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पता है, द गैस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको गैस मोनोएटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, कैसे डिसाइड करोगे? आपको बेसिक क्या पता है, R/CV की वैल्यू 0.4 पता है, सिर्फ ये पता है, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या है, CP-CV इक्वल टू R पता है, ठीक। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे CV के जगह पे यहाँ पे CP-CV पता है, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.4 CV लिख सकते हैं, ठीक। R के जगह पे CP-CV इक्वल टू R के जगह पे 0.4 CV लिख सकते हैं। अब पूरे इक्वेशन में CV से डिवाइड कर देते हैं, CV से डिवाइड, फ़ायदा क्या होगा, अगर CP/CV का रेशियो मिल जाता है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपके पास 1+2/F की वैल्यू, F अगर 3 होता है तो मोनोएटॉमिक, F की वैल्यू 5 होती है तो डायएटॉमिक, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे CV कैंसिल, ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये गामा हो गया, गामा की वैल्यू आ गई 1.4, ये हो गया माइनस, ये CV ये 1 हो गया, -1 उधर गया तो +1, 0.4 +1 तो वैल्यू 1.4। अब ये 1.4 आपको एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए तरीके से। तो अगर मैं आपको याद कराऊँ तो गामा की वैल्यू 1+2/F, अगर गामा मोनोटॉमिक के लिए अगर हम बात करें तो 1+2/3 तो 3/5/3 1.66 आती है, 1.67 आती है, ठीक। ये है मोनोएटॉमिक के लिए, जबकि हमारा जो डायएटॉमिक आ रहा है 1.4 आ रहा है। तो डाय, चलो यहाँ पे भी गामा की वैल्यू 1+2/5 देख लेते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज 7/5, तो 1. यहाँ पे बचा 2, 5 × 20, तो 1.4 आ गया, गामा की वैल्यू 1.4, इसका मतलब वो डायएटॉमिक गैस है। तो अपना एक रिजिड डायएटॉमिक है, एक नॉन रिजिड है, ठीक। तो रिजिड डायएटॉमिक, जो डायएटॉमिक है रिजिड डायएटॉमिक गैस है, नॉन रिजिड जो है ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज डायएटॉमिक गैस, वो भी रिजिड। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो फ्लाई जेई नीट। सो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10th, और जो कि 2015 में आया हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं जो कि 2015 में आया हुआ MSCET में क्वेश्चन है। अ ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए इमिट एनर्जी ई पर सेकेंड एट 27 सेंटीग्रेड, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, लंबाई भी 1/3 कर दिया और ब्रेथ भी कम कर दिया, एंड टेम्परेचर इज रेज, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, देन एनर्जी इमिटेड बिकम्स, बोला 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको एनर्जी रेडिएटेड या एनर्जी इमिटेड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, σE8T⁴, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा है, तो ई की वैल्यू 1 हो गई, सिग्मा कॉन्स्टेंट है। तो अगर यहाँ पर बात करें, एरिया पहले L×B था, L×B था, रेक्टेंगुलर सर्फेस है L×B, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब ये होता है 273 + 27⁴, ऑलराइट, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इसको हमने ई नाम दे दिया, दूसरा क्या नाम, हमें E2 मान दे, EC की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या उसने बोला कि इसकी लंबाई भी कम कर दी गई 1/3 और चौड़ाई भी कम कर दी गई, इसका मतलब L/3 कर दिया गया और ब्रेथ की वैल्यू B/3 कर दी गई,
ऑलराइट, लेकिन टेम्परेचर रेज करके 327 मतलब 273 प्लस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन टू द पावर 4 कर दिया गया। ये आपके पास अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए L इंटू बी, एल इंटू बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 9 इंटू, ये हो गया 300, 300 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 327 दैट इज 600 पावर 20 पावर 4। यहाँ पे E अपान E2 हमें चाहिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखें ये पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये सब पावर 4, तो 3 की पावर 4 बचेगी और यहाँ पे 6 टू द पावर 4 बचेगी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आपके पास बचेगा, E अपान E2 बराबर 9 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 ये बेसिक 32 जा, यहाँ पे ये सारे वैल्यू कैंसिल आउट हो करके 2 2 2 2 बन गए, ये 16 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया, E अपान E2 बिकम्स 9/16। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था E2, तो E2 बराबर क्या मिल जाएगा, E2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 16E/9, ये अपना आंसर ये हो जाएगा 16E/9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में क्या है कि ये टेम्परेचर चेंज करके पूछ सकता है ताकि पावर जो है यहाँ पे इजीली कैंसिल आउट होकर के आपका रिजल्ट एक यहाँ पे दे दे, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब हो सकता है वो कूलिंग का भी पूछ सकता है या हीटिंग का भी पूछ सकता है, ठीक, तो आप उसके लिए तैयार रहें। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम 2014 MSCET। सो लेट अस डिस्कस 2012 प्रॉब्लम, एंड ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कह रहा है, अ वेसल इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस, प्रेशर दिया है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर 27, हाफ ऑफ द मास जो है हाफ कर दिया गया, रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड टेम्परेचर इनक्रीज किया गया है 87, ऑलराइट, करेक्ट, देन द प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेसल विल बी। तो आपको क्या पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एन क्या है, गिवेन मास अपन मोलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी बराबर पी वी, या हम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू टी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वन अपान पी टू बराबर एम वन अपान एम टू मल्टीप्लाइड बाई टी वन अपान टी टू। अब यहाँ बात ये आती है कि एम वन जो है पहले एम था, बाद में उसको आधा कर दिया गया, तो एम वन जो है एम था, बाद में एम बाई टू कर दिया गया, आधा हो गया। टेम्परेचर पहले 27 था, वह यहाँ पे टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और वो भी 27 प्लस 273, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 87 प्लस 273 मतलब 360। अब देखें यहाँ पे mm कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/5/6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये काटे तो 5 6 30, अगर 6 से काटे 6 5 30, 6 6 36, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 2 3 6, तो 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू 10 एटमॉस्फियर है, P2 पूछ रहा है मुझे, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3 के बराबर आ रही है, तो P2 बराबर 30, तो P2 बराबर कितना हो गया, 6 ATM। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी सही है, आसान सा, पी वी इक्वल टू एन आर टी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे, 2021 में भी आएंगे, तो बस वो ध्यान में रखेंगे। आइडियल गैस पे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के आए हुए हैं। सो लेट अस डिस्कस 2012 प्रॉब्लम, क्या कह रहा है, अ ब्लैक बॉडी, बोल दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टेम्परेचर 227 सेंटीग्रेड, रेडिएट हीट एनर्जी एट
हीट रेट हीट एनर्जी कितने पे, 5 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट दी टेम्परेचर आप 727, देखो पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है 727 सेंटीग्रेड द रेट ऑफ द हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या वो भी यूनिट वही दिया है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था जो हीट रेडिएटेड हो उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4। यहाँ पे Q1 upon Q2 ऐसे लिख देंगे, Q1 upon Q2 बराबर T1 to the power 4 upon T2 to the power 4। Q1 की वैल्यू दिया है 5 हीट रेट, Q2 हमें हीट रेट निकालना है ठीक, T1 मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो 273 + 227 2 × 2 = 5 5 to the power 4, यहाँ पे 500 होगा 500 to the power 4 डिवाइडेड बाई, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया था 727 + 273 तो 7 × 2 = 10 तो ये वैल्यू कितनी 1000 to the power 4। देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, अगर देखिए 500 × 500 × 500 × 500 डिवाइडेड बाई 1000 to the power 4, मतलब अगर यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे वैल्यू काटें तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 यहाँ पे 500 × 500 × 1000 तो यहाँ पे 4 × 2 to the power 4 आ जाएगा, बाकी पूरा सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 to the power 4। तो आंसर कितना है 1/16 नीचे आ गया, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 बराबर 16 × 5 = 16 × 5 = 80। तो अपना आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए सही है 80 है। तो मेरे प्यारे बच्चों डेली MSCET का एक चैप्टर का आप अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, अच्छे से तरीके से मिलके पूरा सिलेबस कवर करेंगे और एक एक चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है इस चैनल पे। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, तो आप ऐसे ही तैयारी अच्छे से करते रहें, बेस्ट विशेस। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, आई लव यू।